लसूड़िया थाना के पास दोपहर के लगभग 11-12 बजे के आसपास 15 वर्ष के सेन समाज के बच्चे का एक्सीडेंट होता है। उसे पैर में मामूली चोट लगती है, जिसके बाद उसे उपचार हेतु रामबाग की राजश्री अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसके पैर पर पट्टा चढ़ाकर उपचार किया जाता है। बाद में हॉस्पिटल के ऑनर देवेंद्र भार्गव द्वारा बोला जाता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसे इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है या गलत इंजेक्शन या ओवरडोज के कारण होश में नहीं आता और फिर उसे विजयनगर के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। परिजन कुछ समझ नहीं पाते, बच्चा वहाँ पर, आपको बता दें, बच्चे की मौत हो गई या वह बेहोश है, ये परिजन नहीं समझ पाते। वेंटिलेटर पर रखा जाता है विजयनगर के अपोलो हॉस्पिटल में और 2-3 घंटे बाद बोल दिया जाता है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, ऐसा बच्चे के परिजनों का कहना है। बच्चों को क्या हुआ? पहले एक्सीडेंट हुआ था उधर से, काम लोग आए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में सर, फिर हम लोग इधर से पट्टा वगैरह चढ़ा के फिर ये कौन सी सीना रामबाग। एक्सीडेंट की घटना कहाँ की है? कौन सी गाड़ी से हुआ था? गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मालूम, बस पाँव में हल्की सी चोट थी, फ्रैक्चर था। अच्छा, उसके बाद कहाँ कहाँ पे ले गए थे सबसे पहले? अच्छा, वहाँ पे ले गए थे, उसके बाद में यहाँ ले गए। यहाँ कब लेके आए थे? 5 बजे लेकर। डॉक्टर ने क्या करा था? जब लेके आए, अब आप बताइए। 10 बजे कोचिंग गया था। आप बेटे बाईपास में उसका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी पाँव में चोट आई थी। उसके बाद हम लोग इधर सिलाई जी को दिखाया, उधर से कितनी देर में घटना हुई है बच्चे के साथ? आधे घंटे में होगी, उधर ही खत्म हो गया तो उधर से उधर लेके आए, पूरा ठंडा हो गया आधे घंटे में। अभी डॉक्टर कहाँ पर? डॉक्टर कॉल भी उठा रहे? नहीं, कॉल भी उठा रहे, बात भी नहीं कर रहे। विजयनगर में, विजयनगर हॉस्पिटल से गाय है, उसको कॉल कर रहे हैं, फोन बंद आ रहा है। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर भार्गव। पूरा नाम? भार्गव डॉक्टर साहब का नाम। क्यों उनका नाम बोला? परिवारजनों को डॉक्टर बाबू तक नहीं गए आप लोग? देवेंद्र भार्गव में फोन लगाया है। मामा हूँ बच्चे का, ठीक है, ये चाचा है। आप ये चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे से जो हुआ है उसको लेकर न्याय मिले? जी बिल्कुल, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें वो डॉक्टर यहाँ सामने चाहिए। नहीं, हमको तो हमारा बच्चा चाहिए और डॉक्टर हमको सामने चाहिए। कर रहा है तो उसके परिवार वालों को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, किस कंडीशन में। 2 घंटे से आईसीयू में लगा के रखा है, बोले सांस चल रही, तो वो झूठ बोल रहा है। पुलिस को पहले से फोन लगा दिए, लोग एक बच्चे से बिना है, बच्चे को मृत घोषित करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल से गायब है। गायब है, फोन भी नहीं उठा रहा है, डॉक्टर फोन भी नहीं उठा रहा है और गायब है। और 3 घंटे से मैं फोन भी लगाया तो सारे स्टाफ से पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कोई मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा। आशीष कुमार से।